कसम खुदा की कहीं भी ना होगा ऐसा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में ऐसे स्टेटस वीडियो बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। ऐसे स्टेटस वीडियो बनाने के लिए लाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। लाइट मोशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लाइट मोशन ओपन करना है, तो मैं अपना लाइट मोशन ओपन कर लेता हूँ। लाइट मोशन ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके 9:16 करना है और इसको 1080 कर लेना है। 30 FPS, अगर आपको 60 FPS हो तो 60 कर लेना, 30 FPS कर लेता हूँ। इसको ब्लैक स्क्रीन करना है या क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करके प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? प्लस वाला आइकन पे क्लिक के अपना म्यूजिक सेलेक्ट करता है। मेरा म्यूजिक मेरे वीडियो में, मैं वीडियो से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो मेरा मैं अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस वीडियो को वीडियो पर क्लिक करके आपको वीडियो में ऑडियो कैसे निकालना है तो बता दे रहा हूँ। इस वीडियो पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके यहाँ से वीडियो को डिलीट कर देना, ठीक है? वीडियो डिलीट करने के बाद फ़ोटो पर क्लिक करके जो टाइमर वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पर टैप करके और इसको बढ़ा लेना है। फिर से आप लोग को बैक जाना है। यहाँ से बैक जाने के बाद अपने XML फाइल में, जो XML फाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़ोटो वाला पे क्लिक करके यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इधर कॉपी करने के बाद ये सब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद अपने प्रोजेक्ट में जाने को यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देंगे और ये जो आपका फ़ोटो है, फ़ोटो पे जाकर इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट पे जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये हो गया आपका। अब आप लोगों को म्यूजिक सुनना है, ठीक है? सुन के आप लोगों को यहाँ से अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टैप करके एडिट टेक्स्ट पे जाके अपना नाम वगैरह, टेक्स्ट जो भी हो अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं इन तीनों पर क्लिक करके यहाँ तक मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा, सॉरी गाइस, यहाँ तक बढ़ गया। अब ये जो आइकन है इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है? अभी इसको बंद कर दें, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसका, तो मैं ये बंद कर लेता हूँ। तो अब सॉन्ग को आप लोग सुन के लिरिक्स लिखना, तो टेक्स्ट लिखने से पड़े आपको ये एडिट टेक्स्ट पे जाके आपको फॉन्ट का नेम चेंज करना, ठीक है? आपको ये फॉन्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये वाला आपको फॉन्ट यूज करना, ठीक है? तो मैं ये वाला फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। इसको क्या करना है आपको, कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ से हम लोग पेस्ट करेंगे यहाँ से। तो मैं सॉन्ग को सुन लेता हूँ। तो मैं ये चेंज कर लेता हूँ, इसको फॉन्ट के नेम में चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ पे हम लोग को म्यूजिक, यहाँ पे म्यूजिक आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे इमोजी सेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने इसको बंद किया था, इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करके इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाके आप लोग को बीट मार्क कैसे लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आपको म्यूजिक लगाना हो, म्यूजिक पे इमोजी लगाना है, यहाँ से आपको बीट मार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेके सॉरी गाइस, यहाँ से करना है, यहाँ से ये नाइन सेकंड से यहाँ से करना है। इसको आपको ले जाना तो यहाँ पर ऐसे पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते। इसको लेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ तक बढ़ाना है मेरे को, तो इमोजी टैप करेंगे, टाइमर वाला आइकन पर क्लिक के यहाँ से सॉरी गाइस इधर इधर करना है ना मेरे को, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो गया, ये इमोजी पर टैप करके इसको आईएस फॉन्ट वाला लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो ये वाला आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो जाएगा ये भी।